हेलो और नमस्ते। तो मेरा नाम है राधा और आप देख रहे हो राधा फ्लाई टू मैजिक। सो आपने क्रिकेट तो बहुत देखा होगा, आपको क्रिकेट पसंद भी होगा, आप क्रिकेट खेलते भी होंगे, आप शायद एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट कब, कहाँ, क्यों और कैसे इन्वेंट हुआ था? तो उसके लिए चलिए क्रिकेट की दुनिया में आराध्या के साथ। तो बहुत पहले 13वीं सेंचुरी में कुछ छोटे छोटे लड़के रूलर इंग्लैंड बोल सकते हैं या तो साउथ ईस्ट इंग्लैंड बोल सकते हैं, उसमें एक गेम खेलना चालू किए जो होता था जिसमें होता था एक बॉल जो बना था स्टोन से, जो पत्थर से बना था, एक बॉल जो पत्थर से बना था। तो उसमें क्या होता था, एक लड़का एक पत्थर से बने बॉल को एक विकेट चीज़ के ऊपर फेंकता था। विकेट क्या होता था, वो दो लकड़ी के स्टिक होते थे और उसके ऊपर दो छोटे छोटे लकड़ी के स्टिक होते थे। अब बॉलर को क्या करना था, उसके बॉल से मार के फेंक के उस विकेट को गिराना होता था। लेकिन जो उसके विकेट के सामने एक बैट्समैन खड़ा रहता था, ठीक है, तो बैट्समैन क्या करता था, उसके पास एक हॉकी स्टिक जैसा एक बैट था, वो थोड़ा सा हॉकी स्टिक से हैवी था, तो उसको क्या करना रहता था, बैट से उस बॉल को विकेट को छूने के बचाना था, उससे विकेट को छूने से पहले बचाना था। अगर वो बचा लेता है तो वो भाग के रन बना सकता है, अगर वो नहीं बचाता तो विकेट गिर जाता है और फिर वो आउट हो जाता है। तो ये कुल 7-5 ऐसे लोगों का गेम होता था उस टाइम। लेकिन पता चला कि थोड़े दिनों बाद इंग्लैंड बदलने लगा। तो इंग्लैंड के बदलने के समय कुछ अमीर लोग ने क्या सोचा कि इंग्लैंड के पास विलेज में तो इतने अच्छे अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, क्योंकि क्रिकेट उस टाइम लीडिंग स्पोर्ट था इंग्लैंड का, इंग्लैंड का बेस्ट स्पोर्ट था। तो क्या हुआ, रिच पीपल ने क्या सोचा, अमीर लोगों ने क्या सोचा कि इंग्लैंड के कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बड़े हो गए थे लेकिन उनको भी चांस नहीं मिल रहा था खेलने को, तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चे को लेके एक टीम बनाई और उनके एक गंदे रिलेशनशिप वाले कंट्री जो होते हैं उनके साथ एक बोले कि चलो इनके साथ एक मैच करते हैं, एक स्पोर्ट बनाते हैं क्रिकेट के तरह। तो उन्होंने एक मैच किया, तो इससे ही वो जो रिच पीपल थे वो अपने कंट्री को अवार्ड के रूप में आगे कर रहे थे। ऐसे करते करते फिर स्टार और गार्टर क्लब के नाम से एक क्लब आया, उसने 1744 में एक नया लॉ बुक बनाया ऑफ क्रिकेट। तो उस नए लॉ बुक में क्या था, उसमें सारे लॉ बन गए, क्योंकि विकेट ये होता है कि इतने ही प्लेयर होंगे क्रिकेट में, ये हर साल ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, T20 इतने टाइप के क्रिकेट मैच, उन सब वो सब एक क्रिकेट लॉ बुक में लिखा था। लेकिन क्या हुआ कि अभी कोई मैच नहीं हो पा रहा था, फिर इंग्लैंड ने थोड़ी मेहनत की, अपने प्लेयर्स को और अच्छा बनाया, फिर पहला फर्स्ट क्लास मैच हुआ 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड 11 और हेम्सफियर 11 के बीच में। मैं नहीं बताऊंगी कौन जीता है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी, वो जून के महीने में हुआ था, 25 या 24 डे के बीच में, मतलब वो 2 दिन का मैच था। और फिर अभी जो आप देखोगे 2 दिन नहीं होता, 5 दिन या तो 1 दिन का होता है ODI या तो T20, अगर आपको क्रिकेट के बारे में पता होगा। तो इससे आप जान सकते हो कि उस टाइम का लॉज और यहाँ का लॉज, अभी का लॉज थोड़े डिफरेंट है, लेकिन क्रिकेट का फन, क्रिकेट का मज़ा तो वही है। सो ये था हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है। आपको और जानना हो तो आप और गूगल में पढ़ सकते हो, उसके ऊपर मैं एक बुक भी लिखा है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो आज का आपका एक नया फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, अमेजिंग फैक्ट। सर जॉन डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स थे। क्यों? क्योंकि उनने टेस्ट मैच में 99.95 रन बनाए थे। उनका बैटिंग करियर अभी तक कोई, उससे अच्छा बैटिंग करियर कोई नहीं कर पाया। लेकिन आई होप हमारे कंट्री और कुछ कंट्रीज उसको ब्रेक करें और अभी क्रिकेट और आगे बढ़े। और आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच कौन से महीने में खेला गया था? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी, फरवरी, अगस्त या जून। आपको इसका आंसर बताना है।
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और आपके अगर कोई अच्छे फ्रेंड है तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।